हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। होप यू आर गुड टुडे। सो लास्ट क्लास में हमने सीखा था प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एक कॉन्सेप्ट सीखा था। हमने ये सीखा था कि अगर प्राइस चेंज हो रही है, कंजम्पशन चेंज हो रहा है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो किस तरह से प्राइस और कंजम्पशन के चेंजेस को हम मेजर कर सकते हैं, परसेंटेज चेंजेस को मेजर कर सकते हैं। नाउ अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम एक और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को। ओके, तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इस क्वेश्चन का उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्या एग्जैक्टली यहाँ पे नया चीज़ हमें सीखने को मिलेगा। देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर और सॉल्ट है। ओके, आई हैव अ सॉल्यूशन विच हैज़ वाटर एंड सॉल्ट। आई एम अज्यूमिंग कि उसमें वाटर 80% है बाय वेट। ओके, बाय वेट मतलब उसका जो टोटल वेट है उसमें 80% वेट किसका है, वाटर का, और ऑब्वियसली बात है अगर 80% इसका है तो 20% सॉल्ट हो गया। ओके, सॉल्ट हो गया। नाउ इमेजिन जब मैं इस सॉल्यूशन को गर्म करूंगा, ओके, इफ आई स्टार्ट बॉइलिंग दिस सॉल्यूशन, स्टार्ट हीटिंग अप दिस सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन, पानी धीरे धीरे गर्म होएगा और गर्म होने के बाद पानी उड़ना शुरू हो जाएगा। ओके, पानी के वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, पानी उड़ना शुरू हो जाएगा। नाउ जस्ट इमेजिन व्हाट विल गोइंग टू हैपन, क्या सॉल्ट भी उड़ने लगेगा? नहीं, सॉल्ट तो नहीं उड़ेगा, फिर क्या उड़ेगा, सिर्फ पानी। अब जब पानी इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में से उड़ने लगेगा तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि पानी का वेट डिक्रीज होने लग जाएगा? यस, ऑब्वियसली पानी का वेट डिक्रीज होएगा। क्या सॉल्ट का वेट बढ़ेगा? नहीं, सॉल्ट का वेट बढ़ेगा क्यों, सॉल्ट तो कोई ऐड नहीं कर रहे ऊपर से, उतना जितना सॉल्ट इनिशियली लिया था उतना ही है उसमें। इसका मतलब इस सॉल्यूशन को गर्म करने से पानी का वेट, तो वेट, इफ आई टॉक अबाउट वेट, तो पानी का वेट डिक्रीज होएगा लेकिन सॉल्ट का वेट तो कांस्टेंट रहेगा। ओके, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। नाउ अब इसी से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिराइव होता है कि अगर पानी का वेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, हमने क्या करा, सॉल्यूशन लिया, इसको बॉईल करना शुरू किया, बॉईल करते करते क्या हुआ, पानी का वेट डिक्रीज होने लगा। ओके, तो आपने देखा होगा कि अगर हम एक कंटेनर में नमक और पानी का सॉल्यूशन ले और फिर उसको बॉईल करें, तो बॉईल करते करते एक लिमिट ऐसा आता है कि पूरा का पूरा पानी उड़ जाता है, उसमें सिर्फ सॉल्ट ही रह जाता है। ओके, प्योर सॉल्ट अपन जिसको बोल सकते हैं, एकदम सॉल्ट बचा रह जाएगा आखिरी में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पानी का वेट डिक्रीज होते 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 जीरो हो गया। अब अगर पानी का वेट डिक्रीज हो रहा है तो जरा सोचिए पानी के परसेंटेज पे क्या फर्क पड़ रहा होगा। ओके, अगर पानी का वेट डिक्रीज होता है तो पानी के परसेंटेज पे क्या फर्क पड़ रहा होगा उस सॉल्यूशन में। लेट सपोज 80 ग्राम्स पहले पानी था और 20 ग्राम्स सॉल्ट था। ओके, आई एम अस्यूमिंग कि वेट कितना था, 80 ग्राम्स पानी का था और 20 ग्राम्स सॉल्ट का था। जब मैंने इसको बॉइल करा, उड़ाता चला गया, उड़ाता चला गया, उड़ाता चला गया, तो एक लिमिट ऐसी आई कि पानी का वेट, ओके, पानी का वेट क्या हो गया, पानी का वेट 80 ग्राम से चेंज होकर लेट सपोज आ गया 30 ग्राम्स। ओके, मतलब 50 ग्राम पानी उड़ गया, 50 ग्राम पानी उड़ गया, लेकिन सॉल्ट, सॉल्ट तो वही का वही रह गया 20 ग्राम का। तो हम यहां पे क्या देखते हैं, देखिए 80 ग्राम और 20 ग्राम पहले वाटर और सॉल्ट थे, तो इसलिए पानी का कॉन्ट्रीब्यूशन 80% था। 80% कैसे आया, 80/80+20। सॉल्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन 20% था जो कि 20/20+80 से आया था। अब यहां पर जरा कैलकुलेट करिए, अब यहां पर हम कैलकुलेट करें तो पानी का जो परसेंटेज है वो कितना हो गया, 30/30+20 दैट इज 50, तो पानी का परसेंटेज हो गया 60%। यहां पर सॉल्ट का परसेंट कितना हो गया, 20/20+30, तो ये आ गया 40%। तो हम क्या देखेंगे कि अगर हमने एक सॉल्ट वाटर के सॉल्यूशन को बॉइल किया तो पानी उड़ना शुरू हो जाएगा लेकिन सॉल्ट उतना ही रहेगा, पानी का वेट डिक्रीज होगा, सॉल्ट का वेट कांस्टेंट होगा लेकिन पानी का परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो परसेंटेज ऑफ वाटर है ये डिक्रीज हो जाएगा, और क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सिर्फ वाटर और सॉल्ट ही है, इसमें और कुछ है ही नहीं, यही दो कंपोनेंट्स ही है। तो अगर पानी का परसेंटेज डिक्रीज हुआ तो परसेंटेज किसका बढ़ जाएगा, परसेंटेज बढ़ जाएगा सॉल्ट का। तो देखिए कितना ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे फिनोमिना हो रहा है कि पानी का परसेंटेज डाउन हो रहा है बिकॉज पानी का वेट डाउन हो रहा है, सॉल्ट का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है बिकॉज
बिकॉज पानी का परसेंटेज डाउन हो रहा है, ना कि सॉल्ट का वेट इंक्रीज हो रहा है. ओके, तो सॉल्ट का वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. आप देख सकते हैं सॉल्ट का वेट कॉन्स्टेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. वो पहले भी 20 ग्राम था, अभी भी 20 ग्राम ही है, लेकिन फिर भी उसका परसेंटेज कितना हो गया, 40%. क्यों हो गया? बिकॉज पानी का वेट भी डिक्रीज हो गया और पानी का परसेंटेज भी डिक्रीज हो गया. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सॉल्ट वाटर के सॉल्यूशन को बॉईल करने पर हमें पानी का वेट और परसेंटेज दोनों डिक्रीज होता दिखेगा, लेकिन सॉल्ट का वेट कांस्टेंट दिखेगा और परसेंटेज इंक्रीज होता दिखाई देगा. ओके, तो यहां पर ये परसेंटेज इंक्रीज जो दिख रहा है सॉल्ट का, ये हम नहीं कह सकते कि इस वजह से हो रहा होगा कि सॉल्ट हमने ज्यादा ऐड कर दिया, ऐसा नहीं है. ओके, ये तो पानी की वजह से ऐसा कंसेप्ट हो रहा है. ओके, सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा पूरी तरह से कि हम यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं कि सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन में किस तरह का इंटरेस्टिंग फेनोमेना यहाँ पे देखने को मिलता है. ओके, नाउ अब ये जो फेनोमेना है, इस फेनोमेना की मदद को, मतलब इस फेनोमेना को और डीप में समझने के लिए हम इस क्वेश्चन का सहारा लेते हैं. ओके, देखिए किस तरह से क्वेश्चन को जरा रीड करिए एक बार और सोचिए जरा क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है. क्वेश्चन कहता है कि फ्रेश वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर बाय वेट. ओके, फ्रेश वाटरमेलन क्या है? फ्रेश वाटरमेलन इज समथिंग विच कंटेन्स 90% वाटर बाय वेट, वाइल ड्राई वाटरमेलन कंटेन्स 20% वाटर बाय वेट. तो ड्राई वाटरमेलन क्या है? जिसमें 20% वाटर हो. व्हाट इज द वेट ऑफ ड्राई वाटरमेलन? व्हाट इज द वेट ऑफ ड्राई वाटरमेलन ऑब्टेन्ड फ्रॉम 20 kg ऑफ फ्रेश वाटरमेलन? अब देखिए क्वेश्चन को हम समझते ध्यान से. उसने कहा कि दो तरह के वाटरमेलन की बात कर रहे हैं. पहला वाटरमेलन है फ्रेश वाटरमेलन. तो फ्रेश वाटरमेलन में क्या है? 90% वाटर है बाय वेट. तो वाटर कितना है? 90%. नाउ अब अगर 90% वाटर है तो बाकी क्या चीज होगी? सोचिए जरा क्या हो सकता है बाकी. बाकी उसका पल्प होगा, सॉलिड होगा. तो हम लिख देते हैं पल्प. तो पल्प कितना है? ओके, पल्प कितना है? सिर्फ 10%. तो फ्रेश वाटरमेलन में वाटर 90% है और पल्प इज 10%. फिर दूसरा क्या बोला उसने? ड्राई वाटरमेलन कंटेन्स 20% वाटर बाय वेट. तो एक तो ये तरबूज हो गया जो कि फ्रेश वाटरमेलन है, और दूसरा तरबूज, दूसरा वाटरमेलन हो गया ड्राई वाटरमेलन जिसमें वाटर 20% है. ओके, जिसमें वाटर कितना है? 20% पानी है. और पल्प कितना होगा? पल्प हो जाएगा 80%. ओके, ऑब्वियसली बात है पल्प कितना हो जाएगा? 80%, क्योंकि उसमें से दो ही चीजें, एक तो वाटर है और एक पल्प है, तो इनको दोनों को मिला के 100% तो होना ही है. अब खास बात देखिए यहां पे क्या हो रहा है. ड्राई वाटरमेलन बन कैसे रहा है आखिर? एक मैंने तरबूज लिया, एक फ्रेश वाटरमेलन लिया इस तरह का, इसको मैंने धूप में रख दिया, और धूप में रखने की वजह से इस फ्रेश वाटरमेलन का पानी उड़ने लगा. ठीक है, इसका पानी रिड्यूस होने लगा. कैसे रिड्यूस हो रहा है? इसका पानी बाय वेट रिड्यूस हो जाएगा. अब एग्जैक्टली सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन का फेनोमेना यहाँ पे देखने को मिलेगा. अगर पानी का वेट घटेगा तो पानी का परसेंटेज भी घटेगा, और अगर पानी का परसेंटेज घटा तो पल्प के वेट को बिना बढ़ाए पल्प का परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा. ओके, हम क्या देखेंगे? इफ वाटर इज रिड्यूस्ड. ओके, वाटर इज रिड्यूस्ड. ओके, वेट इज रिड्यूस्ड, सो परसेंटेज विल ऑल्सो रिड्यूस. अगर वेट रिड्यूस हुआ तो परसेंटेज भी डिक्रीज होएगा. बट व्हाट विल हैपन टू पल्प? अच्छा, पल्प को क्या होगा? क्या पल्प उड़ सकता है क्या बंद तरबूज के अंदर से? ऑब्वियसली नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल. सो व्हाट विल से कि पल्प का वेट तो कांस्टेंट रहेगा. ओके, अगर हम फ्रेश वाटरमेलन को धूप में रखते हैं तो पानी उड़ेगा, पानी का वेट डिक्रीज होएगा, लेकिन पल्प का वेट कांस्टेंट रहेगा, बट पल्प का परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा. तो वही का वही फिनोमिना है जो सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन का है. तो इट मींस पल्प का अगर परसेंटेज हम इंक्रीज करा दें, पल्प के परसेंटेज को इंक्रीज करा दें, लेकिन वेट को कांस्टेंट रखते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेट को कांस्टेंट रखा. ओके, अब देखिए यहां पे क्या बोलता है वो. व्हाट इज द वेट ऑफ अ ड्राई वाटरमेलन ऑब्टेन्ड ओके फ्रॉम अ 20 kg ऑफ फ्रेश वाटरमेलन? अब जरा सोचिए, अगर मैंने 20 kg का फ्रेश वाटरमेलन लिया, दिस इज अ फ्रेश वाटरमेलन विच इज ऑफ 20 kg, तो उसमें वाटर कितना होगा? 90% पानी होगा. तो 90% पानी मतलब 18 kg वाटर हो गया. उसमें पल्प कितना होगा? उसमें पल्प आप देखेंगे तो 10% ऑफ 20 kg कितना हो गया? 2 kg हो गया.
नाउ अब खास बात यहाँ पे क्या आती है कि पल्प 2 kg है और ये कंस्टिट्यूट कितना कर रहा है 10%। ओके, दिस कंस्टिट्यूटिंग 10%। इस तरबूज को लिया, धूप में रख दिया, सुखा दिया, तो पानी उड़ने लगा उड़ने लगा उड़ने लगा और पानी उड़ गया बहुत सारा। और पानी के उड़ने की वजह से वो एक ऐसा वाटरमेलन तैयार हो गया, एक ड्राई वाटरमेलन। तो इस ड्राई वाटरमेलन और इस फ्रेश वाटरमेलन में रिलेशन क्या है? मैं कहता हूं इसमें रिलेशन है पल्प का। ओके, यहां पर पल्प 2 kg था, तो इस ड्राई वाटरमेलन में भी पल्प 2 kg ही रहेगा। पल्प की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, पल्प का वेट चेंज नहीं होगा, दैट विल रिमेन एग्जैक्टली 2 kg। फर्क कहां पे आएगा? फर्क आएगा कि ये 2 kg यहां पर सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन ये 2 kg यहां पर 80% कंट्रीब्यूट कर रहा है। व्हाट यू कैन सी कि 80% कंट्रीब्यूशन दे रहा है ये सिर्फ 2 kg। ओके, तो अगर इस ड्राई वाटरमेलन के वेट को मैं डब्लू मानता हूं, तो उस डब्लू का 80% कितना है? 2 kg। सो आई कैन राइट 80% ऑफ डब्लू इज इक्वल्स टू 2। तो बस यहां से आपको क्या करना है, डब्लू वैल्यू निकाल लेनी है। क्यों? क्योंकि डब्लू क्या है? ड्राई वाटरमेलन का वेट है। तो यही तो मुझे निकालना है। मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है कि इस फ्रेश वाटरमेलन को सुखाने पर जो ड्राई वाटरमेलन बनेगा उसका वेट कितना होगा। तो ये 20 किलो का तरबूज है, इसको हमने सुखा दिया, तो सुखाने पे पल्प का वेट चेंज नहीं हुआ, तो पल्प का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 80% दिखने को मिल रहा है और पानी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% है। क्यों? क्योंकि पानी तो उड़ गया, पानी का वेट डिक्रीज हो गया। तो वेट जो भी ड्राई वाटरमेलन का टोटल वेट होगा उसका 80% कितना है? 2 किलो। फ्रेश वाटरमेलन में क्या हो रहा था? जो भी फ्रेश वाटरमेलन का वेट होगा उसका 10% कितना था? 2 किलो। लेकिन यहां पर इसका वेट जो भी होगा उसका 80% कितना है? 2 किलो। तो इस रिलेशन की मदद से हम निकाल सकते हैं कि ड्राई वाटरमेलन का वेट कितना होगा। ओके, तो एक तरह से दोनों वाटरमेलन को ज्वाइन करने के लिए, दोनों को रिलेट करने के लिए हमारे पास पल्प का अमाउंट है, पल्प का वेट है। तो ये पल्प के वेट की मदद से हम दोनों को एडजस्ट कर पा रहे हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये बिल्कुल ही अलग ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन का। ओके, सो यू कैन नोट दिस और हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस अ डिफरेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम अच्छा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे, तो ये समझ में आएगा कि कैसे आपको टेक्निक लगाना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, सीट्स फॉर फिजिक्स मैथमेटिक्स सॉरी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन अ स्कूल आर इन द रेशियो ऑफ 5:7:8। तो किसी स्कूल में क्या है, 3 सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी, और तीनों का रेशियो कितना है नंबर ऑफ सीट्स का, 5:7:8। आगे क्या बोला उसने, देर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज दीज सीट्स। एक प्रपोजल है कि इन सीट्स को बढ़ाया जाए कितने से, बाय 40%, 50% एंड 75%। तो इस तरह से करने पर नया रेशियो कितना बनेगा? ओके, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द सीट्स? ओके, अगर हम सीट्स को बढ़ा देते हैं बाय 40%, 50% एंड 75%। तो देखिए सबसे खास बात, यहाँ पर आपको मैथ्स फिजिक्स और बायोलॉजी का रेशियो दिया हुआ है 5:7:8। अब आपको इन सीट्स को इंक्रीज करना है। ओके, तो सबसे पहली चीज, अगर मुझे इनको 40, 50 और 75% बढ़ाना है, तो क्या उसके लिए ज़रूरी है मुझे एग्जैक्टली नंबर ऑफ सीट्स कितनी है ये पता हो? नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स नहीं पता, लेकिन रेशो तो पता है। तो रेशो की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम इन सीट्स को 5, 7 और 8 की जगह पे 500, 700 और 800 ले सकते हैं। ऐसा क्यों करा? ऐसा कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए हमने करा। तो 500, 700 और 800 ले लेते हैं। अब मैथ्स के सीट्स को बढ़ाया गया 40%, तो इसको बढ़ा दीजिए 40% से। 40% कितना होता है? 2/5। ओके, 2/5, तो 2/5 से बढ़ाया मतलब 200 से इंक्रीज करा, तो इसको जब 200 से बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 700। 700 जो सीट्स हैं उसको बढ़ाया गया 50% से, तो 50% कितना होता है? 1/2। तो 1/2 से इसको बढ़ाया मतलब 350 से इंक्रीज करेंगे, सो 350 से इंक्रीज करा तो ये आ गया 1050, 1050। फिर तीसरा, 800 सीट्स हैं बायोलॉजी की, तो सीट्स ऑफ बायोलॉजी आर इंक्रीज बाय 75%। नाउ 75% इंक्रीज मतलब
हमने अभी डिस्कस किया था 75% को हम 3/4 के नजरिए से देखेंगे। तो 3/4 कैसे, इसका 1/4 करते हैं और 3 टाइम्स करते थे, 1/4 कितना हुआ 200 और उसमें 3 टाइम्स करा तो 600, तो ये रेशो कितना आ गया 1400। सो आपका रेशो आ गया 700:1050:1400। लेकिन ये आंसर नहीं है हमारा, हमारा आंसर क्या होगा, सिंप्लीफाइड वर्जन, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन। सो फाइंड इट्स सिंप्लीफाइड रेशो, ओके, इसका सिंप्लीफाइड रेशो डिटरमाइन कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर आता है सिंप्लीफाइड रेशो में, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो यू कैन सी कि ये क्वेश्चन तो बड़ा बेसिक है, बस समझने का पॉइंट यहाँ पे यही है कि अगर रेशो दिया हुआ है 5:7:8 तो हमारे कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम उसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। हम ऐड ये कर सकते हैं कि हम 5:7 और 8 की जगह उसको 500, 700 और 800 ले लें ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, ओके। सो यू कैन नोट दिस क्वेश्चन, ओके फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय 5% देन बाय व्हाट परसेंट और बाय व्हाट अमाउंट द ब्रेथ ऑफ द फील्ड मस्ट बी डिक्रीज्ड टू मेंटेन द सेम एरिया, ओके। मतलब क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके लेंथ को हमने इंक्रीज कर दिया 5% से, तो अब मुझे ये पता करना है कि उसके विड्थ को, उसके ब्रेथ को कितने से डिक्रीज किया जाए सच दैट एरिया कांस्टेंट रहे, एरिया में कोई बदलाव नहीं हो। सो हाउ कैन यू थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन, यू कैन स्टार्ट इट बाय राइटिंग द फॉर्मूला फॉर एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। अब देखिए यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई होके एक तीसरी क्वांटिटी बना रहे हैं एरिया, ओके। तो अभी अभी हमने सीखा था कि हमारे पास इस तरह का एक फॉर्मूला होता है कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो प्राइस और कंजम्पशन के प्रोडक्ट से भी एक्सपेंडिचर बनता है, दो क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन से तीसरा। उसी तरह का लॉजिक यहाँ पे भी चल रहा है कि लेंथ और वेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक नया टर्म बनाया जा रहा है, दैट इज एरिया, ओके। दिस इज हाउ वी कैन थिंक ऑफ डूइंग दिस। अब क्या मैं कह सकता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट यहाँ लगा था वही का वही यहाँ पे भी लग जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे भी लग जाएगा। देखिए लेंथ लिखा, विड्थ लिखा और एरिया लिखा। अब क्या बोला उसने कि एरिया तो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब जो पहले एरिया था वही का वही अभी भी दिखेगा। तो एरिया का रेशियो कितना बन गया, एरिया का रेशियो बन गया 1:1। अभी तो एरिया का रेशियो आया, लेंथ का रेशियो क्या होगा, हम देख सकते हैं कि लेंथ को हमने क्या करा है, इंक्रीज करा है 5% से। नाउ 5% कितना होता है, 5% इज इक्वल्स टू 1/20। यू कैन सिंप्लीफाई दिस, यू कैन गेट 1/20। तो अगर प्राइस का जो लेंथ है वो 5% से इंक्रीज हुआ है तो क्या आप बता सकते हैं पुरानी लेंथ और नई लेंथ में रेशियो कितना बना होगा। ऑब्वियसली हम कहेंगे डिनोमिनेटर इज टू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर, जो परसेंटेज इंक्रीज में हमने सीखा था। तो यहां पर लेंथ का रेशियो बन गया 20:21, ओके 20:21। अगर ऐसा है तो बताइए विड्थ के साथ क्या हो रहा होगा। तो जो हमने यहाँ पे लगाया था कि अगर ये टर्म कांस्टेंट है तो इन दोनों के रेशियो रिवर्स हो जाते हैं, तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही होगा, एरिया कांस्टेंट है तो अगर लेंथ इंक्रीज हुआ है तो जितने रेशियो से लेंथ इंक्रीज हुआ है उतने ही रेशियो से आपको विड्थ जो है वो कम होती हुई दिखाई देगी। तो लेंथ का रेशियो 20:21 है तो विड्थ का रेशियो आ जाएगा 21:20। तो वेट कितने से डिक्रीज हुई, देखिए 1 से डिक्रीज हुई, किस पे डिक्रीज हुई 21 पे, क्योंकि ओल्ड वैल्यू कितनी है 21:100। सो दिस गिव्स यू द परसेंटेज चेंज इन द ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड सो एज टू मेंटेन द सेम एरिया, ओके। तो आप इसको सॉल्व करके बताइए जरा कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आता है, कितना परसेंट डिक्रीज दिखाई देता है आपको, ओके। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, लेंथ ब्रेथ और एरिया एग्जैक्टली वही रिलेशन फॉलो कर रहे हैं जो प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इक्वेशन सिर्फ एक ही जगह पे यूज हो रही है, ये हमने देख सकते हैं कि कई जगहों पे ये इक्वेशन एग्जैक्टली सेम इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द एरिया और यू कैन यूज दिस प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंडीशन इन ज्योमेट्रिकल वैल्यूज, इन द ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ओके। तो इसे नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, थोड़ा और इंटरेस्टिंग, ओके। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, इफ द रेडियस ऑफ अ कोन इज इंक्रीज्ड बाय 14.28% देन बाय व्हाट परसेंटेज द हाइट मस्ट बी डिक्रीज्ड सो एज टू मेंटेन द सेम वॉल्यूम, ओके। क्या क्वेश्चन है कि एक कोन है हमारे पास, ओके, उस कोन में क्या हो रहा है, उसका रेडियस
उसका कोन का रेडियस कौन सा, बेस का जो रेडियस होता है। सो कोन का जो रेडियस है वो 14.28% से इंक्रीज हो गया, मतलब कोन ऐसा फैल गया थोड़ा सा और। ओके तो हमें ये बताना है कि इस तरह के एक्टिविटी से हाइट को हम कितना डिक्रीज करें, इस एक्टिविटी की वजह से हाइट को कितना डिक्रीज करें ताकि कोन का वॉल्यूम चेंज नहीं हो। ओके सो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यू कैन सी कि परसेंटेज हमें कितना ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। एक कोन है उसका रेडियस बढ़ गया तो हाइट को कितने से कम करूं ताकि वॉल्यूम में चेंज नहीं हो, मतलब वो पानी उतना ही होल्ड कर पाए अभी भी या वॉल्यूम उतना ही रहे, कैपेसिटी उतनी रहे जितनी पहले थी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेडियस। रेडियस इंक्रीज हुआ है किससे, 14.28% से। किसमें इंक्रीज हुआ है, देखो वॉल्यूम, हमें क्या करना है वॉल्यूम को सेम करना है। तो वॉल्यूम को सेम करना है तो सबसे पहले अपन वॉल्यूम के फॉर्मूले को जानते हैं। तो कोन के केस में कुछ इस तरह से कोन हम बना देते हैं। ओके दिस इज योर कोन, इस कोन का ये हो गया रेडियस और इस कोन की ये हो गई हाइट। ओके दिस इज योर हाइट ऑफ कोन एंड दिस इज योर कोन। Now, what is the volume of a cone? So, volume of a cone is equals to 1 by 3 pi r square h. This is the volume of the cone. अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमें ये पता करना है कि रेडियस की वजह से हाइट में कितना डिक्रीज किया जाए, मतलब हमें एक चेंज वैल्यू निकालना है, चेंज वैल्यू। हम कहते हैं कि रेडियस जब बड़ा होगा, ओके रेडियस जब बड़ा होगा, अगर हाइट मान लो नहीं बढ़ी तो डेफिनेटली वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ओके अगर रेडियस इंक्रीज हुआ लेकिन हाइट कांस्टेंट रही तो डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर रेडियस डिक्रीज हुआ और हाइट कांस्टेंट रही तो डेफिनेटली वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, जो वेरिएबल क्वांटिटीज है वो कौन सी है, एक रेडियस है, मान लो हाइट बढ़ गई रेडियस कांस्टेंट रहा तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। मान लो हाइट घट गई रेडियस कांस्टेंट रहा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो ये रेडियस और हाइट यही दो टर्म्स है जो वेरी कर सकते हैं। व्हाट अबाउट दिस 1/3 pi, क्या ये कभी चेंज होंगे, नहीं। 1/3 ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 1 भी 3 भी pi भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला। इट मींस हमें जब परसेंटेज चेंज मेजर करना है हाइट के लिए तो ये वाले टर्म हमारे लिए पूरी तरह से इनसिग्निफिकेंट है। ओके हमें इनका कोई यूज नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट्स हैं। तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, वॉल्यूम को लिख देते हैं आर स्क्वेयर एच। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों टर्म्स को यूज नहीं करते बिकॉज वी आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज। तो इनकी वजह से कोई परसेंटेज चेंज में फर्क आना ही नहीं है बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट। सो हम देख सकते हैं वॉल्यूम क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स विच आर आर स्क्वेयर एंड एच। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अगेन आप देख सकते हैं दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी तीसरी क्वांटिटी बनती है, लेकिन जो एक क्वांटिटी है वो अब एक लीनियर पावर में नहीं है, वो एक क्वाड्रेटिक पावर में चली गई, आर स्क्वायर में आ गई। तो क्या हुआ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। देखिए आर स्क्वायर एच और वी, ये हमने तीनों ऐसा लिखा। ओके अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि रेडियस इंक्रीज हुआ है 14.28 से, तो क्या बता सकते हैं रेडियस का रेशियो कितना होगा। सो रेडियस का रेशियो हो जाएगा ना 14.28 कितना होता है, देखिए 14.28% इज 1/7 14.8% is 1/7, मतलब पुराने और नए रेडियस का रेशियो आ जाएगा 7:7+1 दैट इज 8। तो 7 का रेशियो कितना आ गया 8, 7:8 इज द न्यू रेशियो। ओके न्यू रेशियो ऑफ रेडियस। लेकिन हमारे इस कंडीशन में रेडियस है क्या, नहीं, हमारे कंडीशन में रेडियस का स्क्वायर है। तो अगर पुराने और नए रेडियस का रेशियो 7:8 है तो पुराने और नए रेडियस के रेशियो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओके इट विल बी 49:64। सो रेशियो क्या बन गया 49:64। नाउ व्हाट वी वांट द वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। सो वॉल्यूम को 1:1 दे दिया। नाउ इफ वॉल्यूम इज 1:1 व्हाट इज द हाइट, तो देखिए ये बन गया प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के जैसा, ये रेशियो ये कंडीशन को प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, कुछ इस तरह की कंडीशन यहाँ पे दिखाई देने लग गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर V कांस्टेंट है तो इन दोनों के रेशो रिवर्स हो जाएंगे क्योंकि एक्सपेंडिचर में क्या था, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो P और C के रेशो रिवर्स हो जाते हैं। तो यहां पर ये 49 से 64 हुआ तो ये हाइट हो जाएगा 64 से 49। ओके याद रखिए रेडियस 7:8 बड़ा है लेकिन हमारे फॉर्मूले में वॉल्यूम में रेडियस का स्क्वायर चल रहा है, तो इसलिए रेडियस के स्क्वायर का रेशो हम यहां पे लेंगे और हाइट का जो रेशो होगा वो क्या होगा, इसके स्क्वायर का
जो रेशो है वो उसका रिवर्स, ओके। हाइट का रेशो 8:7 नहीं होगा, हाइट का रेशो होगा 64:49 बिकॉज स्क्वायर का रिवर्स। तो यहाँ पे डिक्रीज चेक कर लीजिए, ये डिक्रीज कितने से हो रहा है, सो डिक्रीज हो गया 49-64 से, ओके। अपॉन किस पे डिक्रीज हो रहा है, 64 पे, सो अपॉन 64 टाइम्स 100, सो दिस इज द परसेंटेज डिक्रीज इन हाइट, ओके। दिस इज द अमाउंट ऑफ परसेंटेज दैट वी हैव टू डिक्रीज द हाइट सो दैट द वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, हम वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखना चाहते हैं, सो वी हैव टू रिड्यूस द हाइट बाय दिस परसेंटेज, ओके। दिस 49/64 मतलब 15/64 इंटू 100 आप सॉल्व करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना वैल्यू आता है ये वाला, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या फिर कहा जाए ज्योमेट्री में जब हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें जो हम डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स में डिफरेंट फिगर्स के रेडियस को या अलग अलग पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, ओके। सो दिस हाउ यू कैन सॉल्व दिस, ओके। सो चलिए एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक में। सो क्वेश्चन कहता है अ फैक्ट्री एम्प्लॉय स्किल्ड वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स एंड क्लर्क्स, ओके। एक फैक्ट्री में क्या हुआ, स्किल्ड, अनस्किल्ड और क्लर्क्स को हमने एम्प्लॉय किया। फिर आगे क्या बोला, इन द प्रोपोर्शन ऑफ 8:5:1, ओके। तो इसका मतलब जो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं इनका रेशियो कितना है, 8:5:1। आगे क्या बोला, एंड द वेजेस ऑफ अ स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर एंड अ क्लर्क आर इन द रेशियो ऑफ 5:2:3। मतलब दो रेशो हमें यहाँ पे दिए हुए, पहला रेशो नंबर ऑफ वर्कर्स का 8:5:1 और दूसरा रेशो उनके वेजेस का कि हर एक एम्प्लॉय की, हर एक व्यक्ति की वेज कितनी है, इट इज इन द रेशो ऑफ 5:2:3, ओके। तो दो रेशो दे दिए, तो सबसे पहले इन दो रेशो को लिख देते हैं हम। देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का रेशो आ गया स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर और क्लर्क्स का रेशो आ गया, दिस इज 8:5:1, दिस इज वन रेशो, ओके। सेकेंड रेशो क्या दिया है उन्होंने, वेजेस का। तो वेजेस किस रेशो में चल रही है, वेजेस, वेजेस चल रही है इनकी 5:2, दिस इज द रेशो, दिस वन एंड दिस वन 5:2:3 के रेशो में, ओके। सो वेजेस का रेशो आ गया 5:2:3, सो यू कैन सी हियर। अब आगे क्या बोला उसने, When 20 unskilled workers are employed, okay? अगर हमने 20 unskilled workers को employ किया, मतलब जो unskilled worker है उनकी quantity दे दी, absolute quantity दे दी कि वो 20 unskilled workers हम यहाँ पे लगा रहे हैं, okay? Then employed, the total wages amount to 318. मतलब क्या कहा उसने कि अगर अगर हम 20 unskilled worker लगाते हैं तो सबका जो total wage है, ओके, टोटल वेज वो कितना आ रहा है, 318 रुपए। तो आपको ये बताना है कि हर एक कैटेगरी के वर्कर्स का वेज कितना है, व्हाट इज द वेज ऑफ ईच ऑफ द कैटेगरी वर्कर, ओके, हर एक कैटेगरी के वर्कर्स का वेज कितना है। नाउ सबसे पहली चीज क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि 20 अनस्किल्ड वर्कर लग रहे हैं, ओके, 20 अनस्किल्ड वर्कर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज किस रेशो में होने चाहिए, 8:5:1। तो इसका मतलब अगर 8 स्किल्ड वर्कर लेते हैं तो 5 अनस्किल्ड लेने होंगे और एक क्लर्क लेना होगा, अगर 80 स्किल्ड वर्कर लेते हैं तो 50 अनस्किल्ड लेने होंगे और एक क्लर्क 10 क्लर्क लेने होंगे, अगर ये 16 लेते हैं स्किल्ड वर्कर तो क्या होगा, अनस्किल्ड वर्कर हमें 10 लेने होंगे और क्लर्क कितने लेने होंगे, 2, ओके। तो क्या होगा, जिस प्रोपोर्शन में ये चेंज होएगा उसी प्रोपोर्शन में ये भी चेंज हो जाएगा और उस प्रोपोर्शन में ये भी चेंज हो जाएगा, ओके, सेम वैल्यू से चेंजेस होंगे। अब उसने बोल दिया कि अनस्किल्ड तो हमने 20 ले लिए, इसका मतलब ये अनस्किल्ड 5 की जगह कितने हैं, 20, तो कितने टाइम्स से हमने अनस्किल्ड को बढ़ा रखा है, 4 टाइम्स से, ओके। तो ये 4 टाइम्स बढ़ाने की वजह से इसको भी हम 4 टाइम्स बढ़ा देंगे, सो 8 × 4 = कितना आया, 32। मतलब अगर आप 20 अनस्किल्ड वर्कर्स लगाते हैं सो 32 स्किल्ड वर्कर्स यू हैव टू डिप्लॉय, ओके। देन व्हाट अबाउट क्लर्क्स, 4 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे क्लर्क्स को भी, क्योंकि ये 4 से बड़ा है तो ये भी 4 से ही बढ़ेगा और ये भी 4 से बढ़ेगा, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द रेशियो, वी कैन नॉट चेंज द रेशियो। सो यहाँ पे देख सकते हैं क्लर्क कितने लगने चाहिए, 4, सो वी नीड 4 क्लर्क्स टू मेंटेन दिस रेशियो ऑफ 8:5:1, ओके। सो हमारे पास एग्जैक्टली नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स आ गए, एग्जैक्टली नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स आ गए और एग्जैक्टली नंबर ऑफ क्लर्क्स आ गए। अब उनकी वेजेस का रेशियो दिया हुआ है, देखिए 5:2:3, क्या ये एग्जैक्ट वेजेस है, एब्सोल्यूट वेजेस है, नहीं, दिस इज जस्ट अ रेशियो। तो उनकी वेजेस 50, 20 और 30 भी हो सकती है,
उनकी वेजेस 10, 4 और 6 भी हो सकती है, उनकी वेजेस 500, 200 और 300 भी हो सकती है। तो फिर हम कैसे पता करें कि एग्जैक्टली वेज कितनी है? तो हम मान लेते हैं कि कोई एक्स वैल्यू है, तो इनकी वेज कितनी हो गई, हम मान लेते हैं 5x, इनकी वेज हम मान लेते हैं 2x और इनकी वेज हम मान लेते हैं 3x, ओके, 2x, 5x एंड 3x, ओके। हालांकि इसको और भी तरीके करने के, बट दिस इज द मोस्ट सिंपल वे जो आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास वेज का रेशो। अब देखिए, 32 स्किल्ड वर्कर्स हैं और हर एक वर्कर को 5x रुपीज़ का अमाउंट मिलता है। सो 32 स्किल्ड वर्कर्स को 5x रुपीज़ का अमाउंट मिलेगा, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 32 टाइम्स 5x, ओके। 20 अनस्किल्ड वर्कर्स को, 20 अनस्किल्ड वर्कर हैं और हर एक अनस्किल्ड वर्कर को 2x रुपए मिलते हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 20 × 2x, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स। उसके बाद क्लर्क्स की बात करें, तो 4 क्लर्क हैं और हर एक क्लर्क को 3x रुपीज मिलते हैं, तो टोटल अमाउंट पेड टू क्लर्क कितना हो जाएगा, 4 × 3x, ओके। और टोटल इन सभी का सम आपको कितना दिया हुआ है, 318, ओके, ये आपको दिया हुआ है 318 रुपए। तो यहां से बड़ी आसानी से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो x का वैल्यू आएगा उससे क्या करेंगे, वो निकालने के बाद हम वेजेस निकाल सकते हैं, क्योंकि 5x इज द वेज ऑफ ईच कैटेगरी, इज द वेज ऑफ स्किल्ड वर्कर कैटेगरी, 2x इज द वेज ऑफ अनस्किल्ड वर्कर कैटेगरी एंड 3x इज द वेज ऑफ क्लर्क्स कैटेगरी। सो व्हाट यू कैन सी, इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्किल्ड वर्कर सैलरी, अनस्किल्ड वर्कर सैलरी एंड क्लर्क सैलरी, ओके। सो सॉल्व करके जरा बताइएगा क्या सैलरीज आती है कमेंट बॉक्स में। तो सिंपल है क्वेश्चन, अब तो काफी सिंपल हो गया, कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो यू कैन नोट दिस।